Hello dear students, I hope you all are fine and doing well. In this video lecture, we are going to solve exercise 68. New Composite Mathematics class 5th का exercise 68 solve करने जा रहे हैं, जो कि chapter 16 money का ही एक part है. तो आइए देखते हैं. देखिए 1 से लेके question number 6 तक simple multiplication है, या हम कह सकते हैं decimal का multiplication whole number के साथ है. तो जिन लोगों ने decimal chapter पढ़ा है, उनके लिए बहुत ही आसान है. डेसिमल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक होल नंबर के साथ करना है, और जो भी वैल्यू आएगी उसे रुपए में लिख देंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी रुपए में है. तो ये सॉल्व करते हैं 1 to 6. यहां पर रुपए 14.45 को मल्टीप्लाई करना है 8 से. तो 14.45 ये क्या कहलाया, मल्टीप्लिकेंड है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है वो कहलाता है मल्टीप्लायर. तो 8 मल्टीप्लायर है, इस तरह अरेंज कर लिया है. अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो मल्टीप्लिकेंट है उसका राइट प्लेस के डिजिट से मल्टीप्लाई की शुरुआत करते हैं. 8 5 जा 40 का 0, 4 आ गया कैरी. 8 4 जा 32 प्लस 4 36 का 6, 3 कैरी. 8 4 जा 32 और जो 3 बचा हुआ था वो 35 का 5, 3 कैरी. 8 1 जा 8 और 3 11. अभी यहां पर हमने इग्नोर कर दिया था डेसिमल पॉइंट. अब यहां पे आंसर में डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो देख रहे हैं कि मल्टीप्लिकेंड में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आंसर में भी हमारा, और मल्टीप्लायर में एक भी डेसिमल प्लेसेस नहीं, तो टोटल मिला के 2 डेसिमल प्लेसेस हैं. तो आंसर में भी 2 डेसिमल प्लेस का इसको बनाएंगे, यानी कि 1 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे. और ये रुपए का मल्टीप्लाई हुआ है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेंट हमारा रुपया था, तो इसलिए रुपए में ही आंसर आने वाला है. रुपया 115.60. ये इस तरह से हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने. आइए देखते हैं सेकंड में मल्टीप्लाई रुपए 86.38 बाय 15. तो यहां पर 15 मल्टीप्लिकेंट मल्टीप्लायर है और रुपए 86.38 मल्टीप्लिकेंट है, हमने इस तरह अरेंज कर लिया है. अब जिनको 15 का टेबल आता है वो सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता वो पहले 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 का मल्टीप्लाई करते हैं. तो चलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5th क्लास के बच्चों को, एटलीस्ट ये मानते हैं चलिए कि 15 तक का टेबल तो आता ही होगा. अब शुरुआत करते हैं मल्टीप्लिकेंट की राइट मोस्ट डिजिट से. 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 8 जा 120 होता है. देखिए तो एक बार में सिर्फ एक डिजिट रखी जा सकती, तो 0 यहां पर प्लेस करेंगे, ये 0 प्लेस कर दिया है. अब ये 12 कैरी बन के आगे जाएगा. 15 3 जा 45 में 12 ऐड करेंगे तो 57 आएगा. 57 का 7, 5 हमारा कैरी हो गया. 57 का 7 यहां रखा, 5 कैरी हो गया. अब 15 6 जा 90, ठीक है 90. अब ये 5 बचा 95, तो 90 प्लस 5 रखा और 9 बचा. 15 8 जा 120 और प्लस ये 9 जो था ये मिलकर क्या हो गया, 129. अब हम देख पा रहे हैं कि जो मल्टीप्लिकेंट था 2 डेसिमल प्लेस का था, इसलिए आंसर को भी 2 डेसिमल प्लेस का बनाएंगे जो प्रोडक्ट आया, और ये रुपए में था इसलिए ये भी रुपए में आएगा, रुपए 1295.70. तो प्रोडक्ट जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं, तो प्रोडक्ट आ चुका है हमारा. आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 3. मल्टीप्लाई रुपए 137.96 बाय 12. तो ऊपर 137.96 और ये 12 को रख लिया है मल्टीप्लायर. अब 12 का मल्टीप्लाई करते हैं 6 से. 12 6 जा 72 का 2 यहां पे रखेंगे और 7 कैरी बन के आगे जाएगा. अब 12 9 जा 108 और 7 जब ऐड होगा तो ये कितना मिलके बनेगा, 115. तो एक बार में एक डिजिट रखी जाती है तो 5 यहां पे रख देंगे और 11 आगे कैरी बन जाएगा. अब 12 7 जा 84 और वो 11 कैरी आया था, तो ये मिलके क्या हो जाएगा, 5, 95 हो जाएगा. 95 का 5 यहां प्लेस करेंगे
और 9 आगे कैरी बन के जाएगा। 12 3 36 और 9 पहले से कैरी था तो 36 और 9 जब ऐड किया तो क्या आएगा यहां पर 45 आया। तो 45 का 5 यहां प्लेस करेंगे और 4 कैरी बन के आगे चला जाएगा। अब 12 1 12 और ये 4, 12 प्लस 4 क्या होता है 16, आगे कुछ है नहीं तो 16 एज इट इज यहां पे प्लेस कर देंगे। अब यहां पे डेसिमल प्लेस देखते हैं तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस का नंबर था जो मल्टीप्लिकेंट था, तो यहां पर भी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर यानी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे। अब ये रुपए में था इसलिए प्रोडक्ट भी रुपए में आएगा, तो रुपए 1655.52। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यह मल्टीप्लाई है रुपए 305.05 को मल्टीप्लाई करना 16 का। चलिए 16 का टेबल पढ़ते हैं, यहाँ पे 16 5 जा 80 का 0 प्लेस किया और आगे वाली डिजिट कैरी बन के आगे चली जाएगी। यहाँ पर 8 कैरी बन गया, ठीक है। अब 16 0 जा 0 और 0 प्लस इस 8 में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 आएगा और ये बन जाएगा 8। 16 0 जा 0 और वो जो 8 कैरी का बना था वो बन गया 8। अब 16 5 जा होता है 80 का 0 यहां आएगा और 8 आगे कैरी बन के जाएगा। फिर 16 0 जा 0 तो 0 हुआ और 0 और प्लस 8 जो कैरी बन के आया था 0 प्लस 8 मिलके 8 बन जाएंगे। फिर 16 3 जा 48 आगे कोई डिजिट है नहीं जिससे मल्टीप्लाई होने वाला है तो 48 को एज इट इज यहां पे रख दिया जाएगा। अब ये आंसर क्या था, क्वेश्चन रुपए में दिया हुआ था मल्टीप्लिकेशन इसलिए ये वैल्यू भी रुपए में आएगी, ठीक है। इसके अलावा जिनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो टोटल यहां पे 2 डेसिमल प्लेस है 1 2 यानी यहां पे भी 2 डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे तो रुपए 4880.80 ये इसका प्रोडक्ट आएगा रुपए में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर रुपए 268.54 का मल्टीप्लाई 18 से करना है। अब जिन्हें 18 का टेबल नहीं आता है, 16 का टेबल नहीं आता है, 12 का टेबल नहीं आता, वो एक दूसरा तरीका है कैसे कर सकते हैं, 8 का पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर 10th प्लेस की डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई करते हैं 4 में, 8 4 जा 32, 32 का 2 और याद रखिएगा 3 कैरी, ठीक है। अब 8 5 जा 40 और ये 3 जो बचा हुआ था 43 हो गया, 43 का 3 अब कैरी बचा 4, 8 8 जा 64 प्लस 4 68 का 8 और कैरी हमारे पास बचा 6। अब 8 6 जा 48 48 और 6 54 का 4 5 कैरी, 8 2 जा 16 और प्लस 5 21 क्योंकि आगे कोई डिजिट है ही नहीं ये। अब जब 10th प्लेस का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक डिजिट यहां पे एक जगह छोड़ देते हैं या 0 लिख देते हैं यहां पर। अब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे वही आ जाता है, तो 1 4 जा 4 1 5 जा 5 1 8 जा 8 1 6 जा 6 1 2 जा 2 अब 8 का भी मल्टीप्लाई कर लिया, 1 का भी मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आएगा इसको ये जो वैल्यू है इनको ऐड करेंगे, 2 प्लस 0 2 3 प्लस 4 7 8 प्लस 5 13 का 3 1 कैरी आ जाएगा तो ये बन जाएगा 5 और 5 और 8 होगा 13 का 3 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 और 6 8 2 प्लस 2 4 और ये रुपए का ये क्वांटिटी रुपए में थी इसलिए ये आंसर भी किस में आएगा रुपए में। अब देखिए डेसिमल प्लेस देखते हैं तो यहां पे 2 डेसिमल प्लेस है यानी कि यहां पे भी 2 डिजिट के पहले हमें डेसिमल पॉइंट लगाना होगा, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ गया रुपए 4833.72। अगर आप चाहते हो तो 18 का टेबल अगर आपको आता है तो सीधे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जैसे कि अभी तक करते आ रहे थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, देखिए यहां रुपए 410.37 का मल्टीप्लाई 20 से करना है तो 27 जा 140 होता है तो 140 का 0 रखेंगे, एक ही डिजिट रखते हैं और 14 जो है कैरी बन के आगे चला जाएगा। फिर 23 जा 60 और 14 तो पहले से बचा हुआ था तो
तो 16 प्लस 40 क्या होगा 74, 74 का 4 यहां पे रखेंगे, 7 हमारा कैरी बन जाएगा। 20 जीरोजा, अभी डेसिमल पॉइंट भूल जाइए है ना, उसको बाद में प्लेस करेंगे, अभी सीधे मल्टीप्लाई करते हैं। 20 जीरोजा, 20 में जीरो को मल्टीप्लाई किया तो जीरो आया, और इस 7 में जब ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 0 प्लस 7 प्लस 0 7। 21 जा 20, तो 21 जा 20 का 0 रखेंगे और 2 कैरी बन के आगे चला जाएगा। 24 जा 80, और 2 पहले से कैरी था तो 2 और 80 मिलके 82 हो जाएगा। अब आगे कोई डिजिट तो है नहीं, तो यहां पर हम सीधे सीधे 82 प्लेस कर देंगे। अब ये क्वांटिटी क्या थी, रुपए में थी, ये रुपए में दिया हुआ था इसलिए आंसर भी रुपए में आएगा। और डेसिमल पॉइंट देख लेते हैं, 2 डिजिट के पहले यानी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर था इसलिए इसको भी 2 डेसिमल प्लेस का नंबर बनाएंगे। तो प्रोडक्ट क्या है, रुपए 8207.40। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब 7 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन क्या है, डिवीजन के हैं। एक डेसिमल नंबर जो कि रुपए में दिया है, रुपए को डेसिमल क्वांटिटी यानी डिविडेंड डेसिमल में है, और डिवाइजर जो है हमारा होल नंबर में, तो डेसिमल को होल नंबर से डिवाइड करना है। ये हम लोग पहले भी डेसिमल में पढ़ चुके हैं, बस ये रुपए में दिया इसलिए आंसर रुपए में आ जाएगा जो भी क्वेश्चन आने वाला होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं 7 to 10। रुपए 63.50 को डिवाइड करना है 5 से, तो चलिए पहले रुपए को हटाते हैं साइन, 63.50 को 5 से डिवाइड करते हैं। डिवाइजर हमारा एक डिजिट का है तो एक डिजिट लेते हैं, तो क्या 6 ग्रेटर है 5 से, ग्रेटर है तो एक डिजिट से काम चल जाएगा। 5 1 5, 6 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा यहां पर आएगा 1। अब हर बार सब्ट्रैक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसमें अगले स्टेप पे क्या होता है, ऊपर से डिजिट नीचे आती है, तो यहां पर 1 सब्ट्रैक्शन के बाद आया, अब ऊपर से 3 नीचे आएगा। 5 का टेबल ऐसा पढ़ जाए, उस नंबर से मल्टीप्लाई करिए कि 13 से ज्यादा ना होने पाए, तो 5 2 जा 10, क्योंकि 3 जा करेंगे 15 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 13 में 10 गया 3। अब ऊपर से डिजिट नीचे आएगी, लेकिन ये तो डेसिमल पॉइंट लगा, तो आप यहां डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए, और नेक्स्ट डिजिट क्या है 5, 5 को नीचे लेके आइए, 5 से बन जा 35, 35 में 35 किया 0। अब क्या डिजिट कोई बाकी, हाँ एक 0 बाकी, तो 0 को लेके आइए, आप 5 का टेबल पढ़िए, 0 से ज्यादा ना होने पाए, तो 5 0 जा 0, 0 में 0 गया 0। अब ऊपर कोई डिजिट तो है नहीं, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन आ गया है। अब चूंकि ये डिविडेंड हमारा 63.50 नहीं था बल्कि रुपए 63.50 था, तो इसलिए आंसर भी रुपए में आएगा। तो हम लिखेंगे, ये देयरफॉर का साइन है, देयरफॉर रुपए 63.50 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू रुपए, जो भी क्वेश्चन आया था उसको रुपए में लिखेंगे, 12.70। ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, इस तरह से डिवाइड हमने किया। आइए देखते हैं 8th। अब रुपए 283.25 का डिवीजन 11 से करना है, तो देखिए रुपए था तो पहले हमने न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी नंबर था वो लिखा और डिवाइजर लिखा। अब 11 का देखिए 2 डिजिट का है, तो यहाँ पे भी आप 2 डिजिट लेंगे, 28। क्या 28 ग्रेटर देन 11 है, हाँ है, अगर नहीं होता तो एक तीसरी डिजिट भी आप ले सकते थे, तो यहाँ पे तो 28 ग्रेटर देन 11 है, तो चलिए 11 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, 11 2 जा 22, क्योंकि अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 33 हो जाएगा और वो 28 से ज्यादा होगा, जो कि हमें ऐसा नहीं करना होता है। अब 28 में 22 सब्ट्रैक्ट होगा यहां पर, तो आएगा 6। अब हर बार क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है ऊपर से एक डिजिट नेक्स्ट सिस्टम में नीचे आती है, तो 3 जो है नीचे आएगा, डिविडेंड से एक डिजिट ऊपर से नीचे आती है। अब 11 6 जा 66 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 63 में 55 जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 आएगा, फिर नेक्स्ट डिजिट ऊपर से नीचे आएगी, लेकिन ये तो डेसिमल पॉइंट के बाद है, यानी डेसिमल प्लेस की डिजिट है, इसलिए आप डेसिमल लगाएंगे यहां पर, और अब ये 2 आप ला सकते हैं। 11 8 88 होता है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ही वैल्यू होनी चाहिए, तो 11 का मल्टीप्लाई 7 से करते हैं, 11 7 जा 77, 82 में 77 सब्ट्रैक्ट होगा तो 5 आएगा, अब एक डिजिट ऊपर से आएगी, तो ये 55 बनेगा, 11 5 जा 55, ये 0 हो गया। अब ऊपर से कोई डिजिट आने के लिए है नहीं, तो यहां कंप्लीट हमारा डिवीजन हो गया। तो ये रुपए में आंसर था, ये क्वेश्चन था, तो इसे रुपए में लिखेंगे डिवीजन को, रुपए 283.25 डिवाइडेड बाय 11 इतना हुआ, तो रुपए 283.25, अगर यहां रुपए लिखा है तो क्या होगा,
तो इसका डिवीजन जो क्वेश्चन आया है वो रुपए में आएगा, रुपए 25.75 लिखेंगे, देयरफॉर ये रुपए 25.75 आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, यहां रुपए 658.70 को डिवाइड करना है 14 से, तो चलिए पहले 658.70 ये डिविडेंड है और डिवाइजर हमारा 14 है, दो डिजिट इसके लीजिए, दो डिजिट यहां पे लेते हैं, 65 इज ग्रेटर देन 14 तो ठीक है, अगर लेस होता तो डिजिट और लेना पड़ता। अब 14 का मल्टीप्लाई करिए, ये 65 से ज्यादा नहीं होने पाए, 14 5 जा 70, तो 4 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करते हैं, 14 4 जा 56, 65 में 56 सब्ट्रैक्ट होगा यहां पर, तो यहां पर हमें मिलेगा 9। अब ऊपर से डिजिट नीचे आती है इसके बाद हमेशा नेक्स्ट स्टेप पे, तो 8 नीचे आएगा, अब ये 98 हो गया, 14 7 जा होता है 98 में ये 0 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट जो डिजिट है वो डेसिमल पॉइंट के बाद हो, डेसिमल पॉइंट लगाया और 7 लेके आते हैं, तो 07 अभी स्मॉलर देन 14 है, तो ये नेक्स्ट प्लेस में डिजिट 0 है, इसको भी लेके आते हैं और दो एक ही स्टेप एक ही इसमें दो डिजिट लेके आ गए, इसलिए 0 प्लेस करेंगे यहां पर और ये 0 भी ले आते हैं, ठीक। अब 70 हो गया, 14 5 जा 70, अब ऊपर भी कुछ नहीं है और ये पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, ये 47.05। तो ये जो क्वेश्चन आया उसको रुपए में लिखेंगे क्योंकि डिवाइजर हमारा डिविडेंड रुपए में था, तो ये भी रुपए में होगा क्वेश्चन भी, 47.05। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th, टू डिजिट लेके चलते हैं 16, यहां पे भी टू डिजिट लेके चलते हैं 26। अब 16 का मल्टीप्लाई उस नंबर से करिए कि 26 के नजदीक हो जाए, नियर हो जाए, और ज्यादा लेकिन नहीं होना चाहिए, 16 2 जा 32 तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक से ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से ही 16 1 जा 16। अब देखिए 26 में 16 जाएगा तो यहां पर बचेगा 10, अब ऊपर से एक डिजिट नीचे आएगी प्लेस होगी, तो ये 0 है तो 0 आ गया। अब यहां पर 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, क्योंकि 7 जा ज्यादा हो जाएगा, 16 6 जा 96 हमने लिखा यहां पर, और यहां पे जब सब्ट्रैक्ट हुआ तो 4 आया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट है, जो भी नेक्स्ट डिजिट ऊपर से नीचे आ रही जो कि 0 है वो क्या है, डेसिमल पॉइंट के बाद, इसलिए डेसिमल पॉइंट प्लेस करेंगे, ये 40 आ गया, 16 2 जा 32, 40 में 32 सब्ट्रैक्ट होगा 8 आएगा। अब ऊपर कुछ और बचा के एक डिजिट और बची है, ये 0 आया, 16 5 जा 80 हो गया, 80 में 80 सब्ट्रैक्ट होगा 0 आएगा, ऊपर भी कोई डिजिट बची नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। डिवाइड करने के लिए कहा गया था हमें रुपए को, ये रुपए में डिविडेंड जो हमारा था रुपए में था, रुपए 260.00 डिवाइडेड बाय 16 था, डिवाइड करना मतलब ये साइन होता है, और जो रिजल्ट आया जो क्वेश्चन आया तो डिविडेंड रुपए में था, इसलिए ये भी रुपए में होगा 16.25। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। तो एक्सरसाइज 68 के हमने 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं, इसके बाद के जो 6 क्वेश्चन और बचने वाले हैं 11 12 13 14 15 एंड 16, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक जो बताया गया इसको रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए।